हेलो एवरीवन, मैं राधा। मेरे कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पोहा बनाएंगे। ये हमने 2 कप पोहा लिया हुआ है। ये हमने एक बर्तन लिया हुआ है, उसमें चलनी रखी हुई है, उसमें पोहा डाल देंगे। अब हम इन्हें पानी डालकर धो लेंगे। भिगोने नहीं है, इन्हें केवल धोना है, पानी में नहीं भिगोएंगे। अब हम 10 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। हमने आलू लिए हुए हैं, 2 आलू हैं, इन्हें छीलकर लंबे चीप में काट लिए हुए हैं। 2 प्याज बारीक टुकड़ों में काट लिए हुए हैं। 5-6 हरी मिर्ची काट ली हुई है बारीक टुकड़ों में। 4 मिर्ची लंबी काट ली हुई है। हरा धनिया कटा हुआ है, कड़ी पत्ता है, 1/2 कटोरी मूंगफली दाना है, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच राई है, 1/2 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच हल्दी है। पोहे में डालने के लिए सेव ली हुई है, 1 चम्मच चीनी ली हुई है, 1 नींबू लिया हुआ है। गरम हो चुका है, सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे। पोहे में आलू अगर आप चाहे तो ही डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए मुझे हर बार पोहे में आलू डालना ही पड़ता है। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक की फ्राई करना है। हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम मूंगफली दानों को भी फ्राई कर लेंगे। सिके हुए ही मूंगफली के दाने यूज किए हुए हैं, इन्हें हम हल्का फ्राई करेंगे। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें राई सौंफ ऐड करेंगे, इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अब हम इसमें कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसमें मिर्ची भी ऐड कर देंगे। जो 4 कटी मिर्ची लंबी ली हुई है, इसे बाद में ऐड करेंगे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे पोहे अच्छे से फूल चुके हैं। हम लंबी 4 कटी हुई मिर्ची भी डाल देंगे, उन्हें भी इनके साथ फ्राई कर लेंगे। इनके साथ इन्हें भी पका लेंगे, मिर्ची को भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम चीनी मिला देंगे पोहा में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे प्याज भून चुके हैं, अब हम इसमें पोहे ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे। आलू मूंगफली दाने धनिया पत्ती ऐड कर चुके हैं हम। अब इसमें हम 1/2 नींबू ऐड कर देंगे। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप 1 नींबू पूरा डाल सकते हैं।
इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम करके 2 मिनट के लिए इन्हें ढक के पकाएंगे। हम गैस ऑफ कर देंगे, पोहे को चेक करेंगे, हमारे पोहे बन चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारे पोहे कितने खिले खिले बने हुए हैं। आप भी इन्हें जरूर बनाइए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम सेव डाल देंगे। हमारे पोहे बनकर रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।